ये रिफर्बिश मैकबुक एयर 2017 मॉडल मैंने कैशिफाई एप्लीकेशन से परचेज किया था। 23 जुलाई को ऑर्डर किया, 25 जुलाई को डिलीवर हो गया और 26 जुलाई को मैंने इसका अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू शेयर किया था, जो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। और जैसे कि मैं कोई भी रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड मोबाइल या लैपटॉप परचेज करता हूँ तो उसका पार्ट टू वीडियो जरूर शेयर करता हूँ, तो इस बार भी मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना टेस्टिंग रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम में या नहीं। और इसका टेस्टिंग रिव्यू वीडियो मैं एक महीने बाद इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक डेल का लैपटॉप परचेज किया था नेहरू प्लेस मार्केट से, उसके बायस सेटिंग में जाके मैंने उसका बैटरी हेल्थ चेक नहीं किया था, जो 3 से 4 हफ्ते बाद उसका बैटरी बैकअप धीरे धीरे कम होने लगा। और अब मैं अगर इसका बैटरी हेल्थ स्टेटस दिखाऊं तो देखिए इसके अंदर पुअर कंडीशन शो करता है, जो ये मुझे मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का ही बैकअप दे पाता है और उसके बाद अचानक से शट डाउन हो जाता है। और इवन आप इसके डिस्चार्जिंग स्पीड को भी देख पाएंगे क्योंकि आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोग अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू वीडियो शेयर करते हैं, बट बाद में उसका क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, वो प्रोडक्ट कैसा वर्क कर रहा है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। बट मेरे चैनल पर आपको हर प्रोडक्ट का उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देखने के लिए मिलेगा और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से वीडियोस अपने चैनल पर डालता हूँ। तो विंडोज़ के अंदर हम बायस के अंदर जाके बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं, लेकिन मैक के अंदर अगर आपको चेक करना है तो अबाउट दिस मैक के अंदर जाना है और सिस्टम रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी कंडीशन दिखा देगा नॉर्मल। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो उसके साइकिल काउंट है वो 152 है और जब मुझे लैपटॉप डिलीवर हुआ था तब इसका साइकिल काउंट 138 था। तो इसलिए मैंने इतना टाइम लिया ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ इस दौरान तो वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर सकूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि इसका अंदर से मदरबोर्ड कैसा है। तो मैं कर लेता हूँ इसे पहले शटडाउन। अंदर हमें कोई रिपेयरिंग या फिर सोल्डरिंग वर्क देखने के लिए मिलता है या फिर अंदर से कंपोनेंट कितने गंदे हैं ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। और फिर वन बाय वन इसके सारे स्क्रूज ओपन करने के बाद इसका जो बैक पैनल है वो बहुत आराम से ओपन हो जाता है। और बैक पैनल रिमूव करने के बाद देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर काफ़ी जगह सिग्नेचर किए हुए हैं, जैसे बैटरी के ऊपर, दोनों स्पीकर के ऊपर साइन किया हुआ है और ये इसके SSD के ऊपर भी साइन है, यहाँ मदरबोर्ड के ऊपर साइन है, वाईफाई अडेप्टर के ऊपर साइन है, ये इसका USB पोर्ट और ये इसका SD कार्ड रीडर। और ध्यान से देखिए इसके मदरबोर्ड को, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके ऊपर मुझे कोई सोल्डरिंग या फिर रिपेयरिंग वर्क ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर ये इसका CPU और ये इसका फैन, फैन के अंदर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर डस्ट है इस तरह से, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से क्लीन है। और ये दूसरे साइड का इसका USB पोर्ट, बट ज़रूरी नहीं है अगर आप कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप ऑर्डर करते हैं तो सेम क्वालिटी कंडीशन में आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड क्वालिटी में आप परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इसका बैटरी इन्फॉर्मेशन, 7.6 वोल्ट, 7150 mAh बैटरी कैपेसिटी। और देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है इसके अंदर, लगभग आधे लैपटॉप के साइड से ऊपर तक बैटरी कंपार्टमेंट इसका जा रहा है आराम से। मैं आपको इसका SSD भी दिखा देता हूँ एक बार, मैं पहले इसका बैटरी कनेक्टर निकाल लेता हूँ। SSD रिमूव करने के लिए ये एक स्क्रू निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो मुझे SSD मिला है वो सैमसंग ब्रांड का है, यहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इस तरफ भी मैंने और भी वीडियोज़ देखे हैं, एप्पल के अंदर जो बाई डिफ़ॉल्ट SSD लगा आता है वो सैमसंग ब्रांड का ही होता है। मैं इसको वापस से लगा देता हूँ और ये बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं। तो अंदर से तो लैपटॉप की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। मैं इसको वापस से लगा देता हूँ और अब कर लेते हैं इसको ऑन। अभी जो मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाऊं तो देखिए मैक OS बिग सर वर्जन 11.7.9 में ये रन कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तभी ये मुझे मैक OS मॉन्टेरी में अपग्रेड करने के लिए बोलता है। बट अपग्रेड बटन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू, एग्री, यहाँ पर भी एग्री, तब इस पे सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे ये मैसेज देता है मैक OS एक्सटेंडेड जनरल वॉल्यूम इंस्टेड। तो इसलिए मैं इसको अभी अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब मैं इसको अपग्रेड कर लूँगा तब आपके साथ वो भी इन्फॉर्मेशन जरूर से अपडेट करूँगा। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये वाले गेम और ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, बट क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये मैंने सिर्फ 128 GB में परचेज़ किया था, तो इसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जो मेरे पास स्पेस है वो काफ़ी कम रह गया था, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल एप्लीकेशन है, गेम्स हैं, वो मैंने इंस्टॉल किए हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन मैंने बाद में इंस्टॉल किए हैं, काफ़ी गेम भी इंस्टॉल किए हैं जो मैं आगे आपको प्ले करके दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं उसके रीड एंड राइट की तो ये ब्लैक मैजिक एक एप्लीकेशन है,
इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं इस पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको रीड और राइट स्पीड दिखा देगा इस तरह से। और ये सिनेबेंच एप्लीकेशन, इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसका सीपीयू का क्या स्कोर आता है। और हैवी एप्लीकेशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है। जो इसका सीपीयू है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर मैं आपको उसके फ़ैन की नॉइज़ सुनाता हूँ। कुछ इस तरह से फ़ैन का नॉइज़ आता है और इस तरफ से ये गर्म हो रहा है। मैं टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ, तो देखिए 45.3। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका हीट होता है वो है इसका पावर अडेप्टर। अगर मैं पावर अडेप्टर दिखाऊँ तो ये देखिए 55.3। तो यहाँ पर हो गया इसका टेस्ट रिजल्ट कंप्लीट, और काफ़ी लंबा टाइम लिया इसने, लगभग 20 मिनट्स। और ये देखिए जो सीपीयू मल्टी कोर रिजल्ट है वो है 1556, और सीपीयू सिंगल कोर जो रिजल्ट है वो है 718 पॉइंट्स। और ये इसका रैंकिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है एप्लीकेशन को ओपन करने में, फिर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बट इसके अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए बोलता है। और इसके अल्टरनेट में मैंने दो एप्लीकेशन और इंस्टॉल किए हैं, जैसे WPS ऑफिस और ये लिब्रा ऑफिस। WPS ऑफिस लॉन्च करते हैं और हम इसके अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और ये लिब्रा ऑफिस, यहाँ से भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल को आराम से बना सकते हैं। और इसके अंदर टाइपिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, कीबोर्ड्स का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। स्प्रेडशीट पर क्लिक करने पर इस तरह से आप यहाँ पे एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट की फाइल यहाँ पर आप बना पाएंगे। और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको इंस्टॉल करने लगते हैं तो वो मैक ओएस वर्जन 13 या फिर उसके बाद का मांगता है, लेकिन इसलिए भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया था टेस्टिंग करने के लिए। जैसे मैं स्विफ्ट प्लेग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, गेट इंस्टॉल, तो ये भी देखिए इसको भी मैक ओएस वर्जन 13 या फिर इसके बाद का चाहिए। और मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था जब उन्होंने इसका मैक ओएस वर्जन अपग्रेड किया था तब उसका जो स्पीड परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया, और एप्लीकेशन लॉन्च होने में या फिर लैपटॉप जब वो शटडाउन करते हैं और उसके बाद रिस्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम लेने लगा। तो SSD अपग्रेड करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको अपने वीडियो में फ्यूचर में शेयर कर दूंगा। अगर 4K वीडियो में प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या मैक्स टू मैक्स हमें रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पर 4K ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, तो 4K वीडियो में थोड़ा सा ये बफर टाइम लेता है। और अगर मैं इसको 1080p 60fps पे करता हूँ तब ये स्मूथली चलता है और इतना बफरिंग भी नहीं करता। और सफारी के अंदर मैं देखिए 1080p 60fps का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वीडियो प्लेबैक हो जाता है बहुत आराम से, यहाँ पर कोई लैग नहीं होता और बफरिंग भी देख सकते हैं बहुत आगे तक चली गई है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन अगर ओपन करते हैं या उसके अंदर भी स्विच करते हो आप तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा और बहुत इजीली ये वर्क करता है। और जो लोगों को प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, programize.com, इसके थ्रू आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हेलो वर्ल्ड इसका आउटपुट आ रहा था। और बाकी भी इसके अंदर आप और कंपाइलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि C++ कंपाइलर, और नीचे देखिए सी हैज कंपाइलर, यहाँ पर JavaScript कंपाइलर, ये PHP, ये स्विफ्ट कंपाइलर, यहाँ पर जावा कंपाइलर, और यहाँ पाइथन। पाइथन पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से नए टैब में ओपन हो जाएगा। और बात करें गेमिंग की तो मैं यहाँ पर Asphalt 9, तो Asphalt गेम के अंदर हमें कुछ इस तरह का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी लैग नहीं करता, गेमिंग के टाइम पर लैग करता है बट काफ़ी हद तक आप गेमिंग कर पाओगे। और अब यहाँ पे कोड ऑफ वॉर गेम को प्ले करके देखते हैं। और मोस्टली जो गेम मैंने इंस्टॉल किए हैं ये सारे मल्टीप्लेयर गेम हैं, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का गेमिंग परफॉर्मेंस है। ये स्टोरी बेस्ड गेम नहीं है, सिंपली जस्ट डाउनलोड एंड डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। और ये लैपटॉप बिल्कुल भी गेमिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा इस लैपटॉप के साथ। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी गेमिंग नहीं कर सकते,
जो बेस्ट पॉसिबल गेम्स अवेलेबल थे ऐप स्टोर के अंदर वो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये भी मल्टीप्लेयर गेम है, वर्ल्ड ऑफ वॉर रोबोट्स, और ये वाला गेम भी काफ़ी अच्छे से प्ले हो जाता है, इसमें लैग वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं। और इस गेम का परफॉर्मेंस आपके सामने है। और कुछ गेम्स ऐसे अवेलेबल हैं जो इसके मैक ओएस वर्ज़न अपग्रेड होने के बाद आप और भी अच्छे गेम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ तो 46.9 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 40.5, और नीचे बैटरी टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ 37.7। तो जो इसका मेन हीटिंग या फिर जो इसका सीपीयू वो इस तरफ है लेफ्ट साइड में, और यहाँ से इसका जो एयर है वो यहाँ से निकल पाता है क्योंकि इसका एल्यूमिनियम बॉडी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी होता है इस तरफ से। बट नॉर्मल टास्क करने पर बिल्कुल भी हीट नहीं होता ना ही, और ना ही इसके फ़ैन की कोई नॉइज़ आती है, ना ही कोई आवाज़ आती है। और अब एक और गेम स्टार्ट करते हैं, वॉर प्लेन्स वर्ल्ड वॉर टू डॉग फाइट। ये भी गेम इंस्टॉल किया था, ये स्टोरी बेस्ड गेम है। इस गेम प्ले के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा स्मूथनेस देखने के लिए मिल जाता, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैं इसको गेम को प्ले कर पाता हूँ, और इतना स्मूथली आप गेम के और डेस्कटॉप के बीच में स्विच कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने ये वाला गेम भी ओपन किया हुआ है और दूसरा गेम भी मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चलते हुए। तो कुछ इस तरह का आपको हल्का सा लैग देखने के लिए मिलेगा जब आप दो गेम को आप एक साथ ओपन करके रखेंगे, तो बेटर होगा कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन को क्लोज करके रखें ताकि आपको जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन का स्मूथनेस और एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा मिल पाए। और एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन जब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद ये अपने आप ही क्लोज हो जाती है इस तरह से। और ये वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर भी मैंने एडिटिंग करके देखी थी, ये 1080p वीडियो, और ये देख सकते हैं लगभग 6 मिनट की वीडियो है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्वालिटी हायर कर देता हूँ, और फ्रेम रेट देख सकते हैं 60, और ये इसका रेजोल्यूशन, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और टाइम देखेंगे तो 9:35 पर मैंने स्टार्ट किया है, और देखिएगा कितनी देर बाद ये लगभग 6 मिनट की वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएगा, और लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर इसने 6 मिनट की वीडियो को एडिट कर लिया है। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 9:42, और आप इसके अंदर 1080p 60fps की वीडियो को आराम से एडिट कर पाएंगे, उसमें ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता देखिए। लेकिन 4K 60fps वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, इसके बैकअप की बात करूँ, लगभग 3 बज चुके हैं और मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। अब मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करने वाला हूँ, और मैं इसमें कंटिन्यू ब्राउजिंग कर रहा हूँ, और लैपटॉप को यूज़ करते मुझे लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए टाइम लगभग 9 बज चुके हैं और बैटरी परसेंटेज आ गया 4%। और चार्जिंग की बात करूं तो 4% तक इसका मैंने बैटरी ड्रेन किया, और जब मैंने 100% तक चार्ज किया तो लगभग 1 घंटे 40 मिनट में फुल चार्ज हो गया था। तो यूजली 1 आवर 45 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और अगर मैं आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए डायरेक्ट सनलाइट में भी कुछ इस तरह का ब्राइटनेस रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है डिस्प्ले के अंदर क्योंकि ग्लॉसी डिस्प्ले है, बट विजिबिलिटी थोड़ी बहुत ठीक है। तो लगभग 1 महीने जो मैंने इस लैपटॉप को यूज़ किया है, इसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है। सिर्फ इसका पावर अडेप्टर है बहुत ज़्यादा हीट करता है, बाकी लैपटॉप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर मैं बात करूं तो मुझे कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली। और बैटरी बैकअप मुझे 6 से 7 घंटे का मिल जाता है, बट वो डिपेंड करेगा कि बैटरी हेल्थ क्या है और बैटरी साइकिल काउंट कितने हैं। और लैपटॉप आपको कहां से परचेज करना चाहिए या कहां से नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बस कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी मिले, रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलना चाहिए, आफ्टर सेल सपोर्ट कैसा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे लैपटॉप परचेज करे हैं, 1 मंथ वारंटी, 2 मंथ्स वारंटी, 3 मंथ्स वारंटी, बट ये मैक्स टू मैक्स मुझे 6 मंथ वारंटी कैशिफाई से मैंने परचेज किया है। और जो रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड लैपटॉप जितने ज़्यादा वारंटी में आते हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही अच्छी होती है, वो उतने ही ज़्यादा चल पाते हैं। जितनी कम वारंटी रहेगी उतने ही वो लैपटॉप कम चल पाते हैं क्योंकि वो रिपेयर होते हैं, इसलिए उनकी वारंटी कम दी जाती है। तो आप इस लैपटॉप को नॉर्मल ब्राउजिंग या फिर यूट्यूब या फिर आप वर्ड प्रोसेसिंग वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स या कोडिंग के लिए, थोड़ी बहुत आप गेमिंग कर पाएंगे क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है। और अगर वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो इसके अंदर फिल्मोरा एप्लीकेशन जैसा कि मैंने आपको दिखाया 1080p 60fps तक आप इसके अंदर एडिटिंग कर पाएंगे, बट 4K पर एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी।
अगर आपका यूसेज सिर्फ इतना ही है तब आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी 2017 का मॉडल है। और अगर आप मैक ओएस को समझना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो भी आप इस लैपटॉप के साथ शुरुआत कर सकते हैं कम प्राइस में। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंसर्न होता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।